Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you. Question says that the two versions of a trait character which are brought in by the male and female gametes are situated on option A, copies of the same chromosome, option B, two different chromosome, option C, sex chromosome, option D, any chromosome. Okay, so yahan pe jo question hai, it is an MCQ type of question. जहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक ट्रेट होता है उसके दो वर्जन होते हैं, ओके, जो कि कहाँ से आता है, मेल और फीमेल गैमेट से. अब पूछा ये गया है कि ये जो ट्रेट का वर्जन है, ये जो दो ट्रेट के जो वर्जन होते हैं, ओके, एक जो ट्रेट होता है उसके जो दो वर्जन होते हैं जिन्हें हम एलील भी कहते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ओके. तो उसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. तो होता क्या है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. जीन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स और एलील्स. अब ये जो डिफरेंट एलील्स होती हैं ये डिफरेंट कॉपीज होती हैं, ओके, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कॉपीज लेकिन ऑफ द सेम क्रोमोसोम, ओके. दीज एलील्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हें क्या कहते हैं हम, एलील्स. सो these alleles are present on different copies, okay, are present on different copies of the same chromosome. Okay, इन अ नॉर्मली डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जैसे कि ह्यूमन्स, तो क्या होता है, इंडिविजुअली वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, राइट. अब ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हाफ हो जाते हैं, और तब क्या होता है, हाफ विल कम फ्रॉम द मेल एंड हाफ गैमीट्स विल कम फ्रॉम द फीमेल, राइट. और उसके फ्यूजन के बाद अगेन दे बिकम 23 पेयर. लेकिन अब ये कहाँ से आए हैं, दो डिफरेंट तरह के करेक्टर्स हो गए जो कि आधे मेल से आ रहे हैं और आधे फीमेल से. लेकिन when they are present in that male body or in female body cell, तब क्या था, ये जो alleles थी ये present थी किस पे, on the same chromosome, okay. तो यहाँ से हमें इसका correct answer पता चलता है, और इस question का correct answer क्या होगा, that is option A, that is copies of the same chromosome. Okay, now B, two different chromosomes, that will be contrary to the option A, जिसकी वजह से ये reject हो जाएगा, two different chromosomes, so ये गलत हो जाएगा. Option C, sex chromosomes. Sex chromosome का क्या काम होता है, sex chromosome का काम होता है to transport these characters, okay, from to their parents to the progeny. In any chromosome, so this is an irrelevant option over here, so this will be rejected. So the correct answer for this question is option A. Okay, so that's it for this question. I hope you understood the explanation. Thank you.